लास्ट टाइम हम जो है वो कोशिश कर रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि किस तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के न सिर्फ खिलाफ हैं बल्कि सख्त किस्म के खिलाफ हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशंस जिनसे मुसलमानों को गुजरना पड़ रहा था, हमने उन तमाम सिचुएशंस को थोड़ा देखा था और ये देखने की कोशिश की थी लास्ट टाइम कि किस तरह से जो है वो हमारे पास खिलाफत मूवमेंट का इख्तिताम होता है। दर हकीकत हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद थी, लेकिन ये ऐसी कौमें थी कि एक कौम दूसरी कौम को एक बड़ी कौम मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास एक कौम सिर्फ अपनी ही आइडेंटिटी की बात करती है, अपनी ही शनाख्त की बात करती है और दूसरों की आइडेंटिटी की या शनाख्त की बात नहीं करती है, तो वो हमारे पास टू नेशन थ्योरी की कैटेगरी में आता है। वो हमारे पास ये आता है कि वो टू नेशन थ्योरी जो है वो क्या होती है, एक कौम जो दूसरी कौम को अपना ना मानने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है, तो ये कौम जो है ये हमसे नहीं है और हम इनसे बिल्कुल बायकॉट करते हैं, तो वो हमारे पास टू नेशन थ्योरी के जिम्मे में आता है। लेकिन टू नेशन थ्योरीज होती क्या है? टू नेशन थ्योरी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले कि हम टू नेशन थ्योरी पे चलें और इससे पहले कि हम बाकी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के उन अल्फाज को आप याद कर लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत अच्छा नजरिया दिया था। बड़े वाजे अल्फाज में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फरमा दिया था कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुख्तलिफ जो है वो तो एक ममालिक है, मुख्तलिफ जो है वो आइडियाज का नाम है। पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे पास जो है वो टू नेशन थ्योरी को समझना सबसे पहले हमारे पास जरूरी होगा। टू नेशन थ्योरी अगर हम इसके नाम पे ही फोकस कर लें तो हमारे पास पता चलता है कि एक ऐसी थ्योरी है जो दो कौमों के बारे में है। इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग जो हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये मत समझिए कि हम आपसे किसी भी तरह के अगर शक्लों में मिलते हैं, रंगों में मिलते हैं, तो सियासत में भी मिलते होंगे, कल्चर में भी मिलते होंगे, मजहब में भी मिलते होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ये बताना चाहते थे, बावर करवाना चाहते थे कि दो कौमें हैं, अगर ब्रिटिश हमें छोड़ के जाना चाहता है, बड़ा मुश्किल होता है ये किसी भी कौम को बावर करवाना कि हम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमें भी हमारा हक वो दिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो उन्होंने बावर करवाया और करवाने में कामयाब हो गए कि हाँ हमारे पास जो है वो इंडिया के अंदर दो कौमें हैं और आप अगर यहाँ से जाना चाहेंगे तो आपके लिए लाजिम है कि आप इन दोनों कौमों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर जाना, वो तो सेम करके जाना, इन दोनों की दोनों कौमों को इनका हक जो है वो दे के जाना। अगर आप दोनों कौमों को उनका हक नहीं देते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर जो है वो दोबारा से सिविल वॉर जो है वो शुरू होने का खदशा है। लेकिन क्या वजह थी ये टू नेशन थ्योरी जो है वो, क्या मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इन्होंने दी थी? ये टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नजरिया के हिंदुस्तान में एक नहीं दो कौमें आबाद हैं उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। दरहकीकत दो कौमी नजरिया कोई नया नजरिया नहीं था। ये बात सच है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफा फरमाया था, पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू जो है वो मुसलमान हुआ था, पहला हिंदुस्तान उसने इस्लाम कबूल किया था। द पर्पज ऑफ दिस वेरी फेमस सेइंग है साथ कि हम लोग कोई नए नहीं है, हम कोई एलियन नहीं है, हम कोई गैर नहीं है, हम लोग आपके अपने ही हैं। और जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो हम सब के सब लोग जो हैं वो एक अलग से जुदा गाना कौम बन गए। ये बात बावर करवाना थी हिंदुस्तान में रहते हुए दूसरे लोगों को कि हम तुम जैसे नए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से पहले भी ये बात बहुत से लोग बावर करवा चुके हैं। हमें इस बात को समझने के लिए महमूद गजनवी के दौर में वापस जाना पड़ेगा। ये बातें जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ इन्हें जरूर कोट कीजिएगा। महमूद गजनवी जब
हिंदुस्तान में आता है कोई 1000 के करीब, आपको याद होगा 1001 AD में, तो वो अपने साथ अल बेरूनी को लेके आता है। और अल बेरूनी जो मामला देखते हैं उनकी रूह कांप के रह जाती है कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक करता है। अल बेरूनी एक राइटर थे, बला के जहीन आदमी थे, बहुत जबरदस्त किताबें लिखा करते थे, और एक किताब उन्होंने किताबुल हिंद के नाम से लिखी। ये किताबुल हिंद किताब क्या थी, हिंदुस्तान के ऊपर अगर आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान को देखना हो तो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी की तरह है किताबुल हिंद। यानी आपको हिंदुस्तान के चौराहों से लेके गलियों में और जो कुछ भी चीजें होती हैं वो सब के सब किताबुल हिंद एक उसी मूवी की तरह दिखाती है जो कभी बचपन में आपने देखे। ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस किताब को पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि ये जो हिंदू हैं इनकी फनेटिसिज्म पागलपन की इंतहा जो है उन लोगों के साथ तरफ थी जो कि इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक नहीं था। मुसलमानों को तो ये मलीच कहा करते थे, यानी इतना पाक है किताबुल हिंद के अंदर लिखा हुआ था। अलबेरूनी बड़ी हैरत से ये लिखते हैं कि दोनों कौमों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं कि इकट्ठे बैठ सकें, इकट्ठे खा सकें और इकट्ठे पी सकें। हिंदुओं को ये लगता है कि अगर मुसलमानों ने किसी चीज को हाथ लगाया तो वो चीज जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी, प्लीज हो जाएगी। और हमारे पास जो है वो ये सारी की सारी चीजें जो है वो अल बेरूनी ने अपनी किताब में 1001 में लिखी। ये सोसाइटियां जो है वो चलती चले जाती हैं, दोनों की दोनों सोसाइटियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन तारीख में दुनिया बदलती चली जाती है। एक चीज कभी नहीं होती है, और वो इन दोनों की दोनों कौमों का आपस में मिलना होता है, मर्जर होता है। दोनों की दोनों कौमें एक चीज मेंटेन रखती हैं और वो उनकी जुदागाना शनाख्त है। दोनों की दोनों कौमें अपनी आइडेंटिटीज पर कंप्रोमाइज नहीं करते। मोहम्मद अली जिना तो फिर ठीक कहते हैं कि अगर माजी में ये कौमें नहीं मिल सकी तो अब आप किस तरह के मिलने की बात करते हैं, ये कौमें मिल ही नहीं सकती। तो हमारे पास इस सवाल का जवाब कि क्या मोहम्मद अली जिना वो शख्स है जिन्होंने टू नेशन थ्योरी दी, तो आंसर है नहीं। लेकिन आइए फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को आखिर मसला क्या था, क्यों वो एंटेगनिस्टिक जो है यानी मुसलमानों के खिलाफ सारी की सारी कोशिशें रखा करते थे। पहली बात इसमें रिलीजियस डिफरेंसेस। ये बात सच है कि हर एक को अपने मजहब से बड़ी मोहब्बत होती है। मैं अगर अपनी बात करूं या हम लोग बात करें, हम मुसलमान हैं तो हम लोगों को इस्लाम से मोहब्बत है, होनी भी चाहिए। हिंदुइज्म के पैरोकार अपने हिंदू मजहब से मोहब्बत करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप किसी के धर्म को, किसी के मजहब को गलत करते हैं। दोनों के दोनों मजहब की बुनियादें ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस्लाम तौहीद पे यकीन रखता था और हिंदुइज्म जो है वो मल्टीपल लॉर्ड था। इस्लाम में दूसरे खुदा का सोचना भी शिर्क है, जबकि हिंदुइज्म में आप मल्टीपल लॉर्ड सोच सकते हैं। इस्लाम जो है वो मोनोथीज्म है, एक ही खुदा के ऊपर यकीन रखने का नाम है, जबकि हिंदुइज्म में ऐसा नहीं होता। अब जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो पहला मसला तो ये था, इस्लाम जो है वो कभी भी जात पात नस्ल या रंग पे या सोशल स्टेटस पे यकीन नहीं रखता। लेकिन हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि वो लोग इन चीजों पे यकीन रखते हैं। वहां पे हमारे पास जो है वो ब्राह्मण भी मौजूद हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। पहला फर्क तो यहाँ पे आ जाता है। हिंदुइज्म का पहला मसला ये है कि भाई आप लोग जो हैं वो हमें इस तरह से क्यों नहीं लेकर चलते जैसे हम चलते हैं। इसमें हमारे पास जो है आरसी मजुमदार के जो कमेंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आरसी मजुमदार एक हिस्टोरियन है, एक तारीखदान है, जवानी सारी की सारी तारीख में हिस्ट्री में गुजार दी। लिखते हैं कि इस्लाम के मानने वाले हिंदुस्तान के अंदर आके आबाद तो हो गए,
लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म के साथ कभी भी मिले नहीं, हिंदू पैटर्न को कभी फॉलो नहीं किया। तो अगर हम ये कहें कि हिंदुइज्म शुरू से ही दो मुख्य यूनिट्स में बटा हुआ था, तो ये बात गलत नहीं है। तो काफी हद तक बात जो है वो ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म मिलके टू नेशन थ्योरीज बनाते हैं, और इसमें हमारे पास पानीकर का कमेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। पानीकर ये कहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान कहने को तो एक रियासत थी, लेकिन एक ही मट्टी पे दो तरह की कौमें आबाद थी। ऐसी कौमें जिनकी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ थी, ऐसी कौमें जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगलिंग जो है वो बहुत कम किया करती। कुछ ऐसा कहना था हमारे पास पानीकर। दूसरी एक वजह है हिंदू नेशनलिज्म से। धर्मों से, मजहबों से मोहब्बत करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरह से मोहब्बत करना कि आप अपने मजहब को किसी के ऊपर थोप दें, वो गलत है। जबरदस्ती के बारे में तो इस्लाम ने अल्लाह तआला की जात में फरमा दिया, ला इकराह फिद दीन, कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। यू कैन नॉट इंफोर्स इस्लाम ऑन एनीबॉडी। लेकिन हिंदुओं के अंदर एक चीज बिल्कुल ही गायब थी, और वो थी टॉलरेंस। ये बात डॉक्टर अशोक मजमदर लिखते हैं, जो कि आरसी मजमदर के बेटे हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। वो एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी के आगाज के बारे में जो हम लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दर हकीकत हिंदू ही थे कि जिन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि भाई आप अपने अलहदा मुल्क का सोचो। ये हिंदू ही थे जिन्होंने कौमियत की बुनियाद पे मूवमेंट शुरू कर दी कि मैं हिंदू हूँ, कांग्रेस बनती है, और कांग्रेस सिर्फ हिंदुइज्म का सोचती है। हिंदुइज्म में जब भी हिंदुइज्म का कोई ना कोई लीडर आगे आया, तो हमें यही पता चलता है कि वो अपनी ही नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। जैसे हमारे पास औरंगजेब आलमगीर आया, उसने इस्लाम को प्रमोट किया। और तो और हिंदू नेशनलिज्म के लोगों ने एक बाकायदा से तहरीक शुरू कर रखी थी, जिसका नाम शुद्धि था। शुद्धि की ये तहरीक जानी जाती थी कि दर हकीकत आपने जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी माली हालात काफी खराब हैं, हिंदुइज्म को आपने कोशिश ये करनी है कि उन तमाम के तमाम लोगों को हिंदुइज्म में लेके आना। जो जो हिंदू नहीं है उसको हिंदू बनाओ। एक तहरीक क्या मुसलमानों के लिए कम थी कि दूसरी जो है वो तहरीक भी चला दी गई, जिसका नाम ब्राह्मण समाज के नाम से था। ना नाम पे होर की जगह ब्राह्मण समाज। अब ब्राह्मण समाज का क्या काम था? ये दोनों की दोनों मूवमेंट काम करती थी, और ये कम्युनल जेलसी को पैदा करती थी, लोगों को बताया करती थी, तबलीग किया करती थी कि हिंदुइज्म किस तरह से बेहतर है इस्लाम से और दूसरी तमाम मूवमेंट। ये हिंदू नेशनलिज्म का दूसरा बड़ा फैक्टर था। कहानी में हालात और वाकयात यहाँ तक कि बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अगर हम कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस की बात करें, तो हमें बहुत ही खतरनाक पिक्चर मिलते हैं। जब हम कल्चर की बात करते हैं, मैं जुमे वाले दिन सलवार कमीज पहनता हूँ। मेरे कल्चर में ये बात अच्छी समझी जाती है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये जब भी मैं पहनता हूँ, तो मुझे नमाज अदा करने में जो है वह आसानी रहेगी। आप अपने दिनों पे जो मर्जी पहनना चाहें, वो आपका कल्चर है। आप दाए को जिबा नहीं करना चाहते, वो आपका कल्चर है। आप मुसलमानों को बंद क्यों करेंगे, तंग क्यों करेंगे? जो सोशल डिफरेंसेस जितने भी मौजूद हैं, आप सोशल डिफरेंसेस के ऊपर जो बात करते हैं, ये हमारे पास मेजर डिफरेंस था। तीसरा मेजर डिफरेंस, दोनों के दोनों की जो आउटलुक थी वो काफी डाइवर्जेंट थी। दोनों के दोनों कम्युनिटीज जो है वो मुख्तलिफ कल्चर बैकग्राउंड से थे। दोनों का तारीख को देखने का अंदाज ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखिए, हमारे सिपहसालार महमूद गजनवी, जिन्हें हम मंदिर तोड़ने पर जो है वो बुत शकन कहते हैं, और इज्जत तो वकार की निगाह से देखते हैं, हिंदुइज्म में वही जो है वो महमूद गजनवी को अब एक बहुत बड़ा जो है वो डिक्टेटर समझते थे, लूटर समझते थे।
दोनों कौमों के हीरो जो है वो मुख्तलिफ हैं। हम लोग गाय को खा भी जाते हैं, काट के भी खा जाते हैं, उसके साथ जो है उसका दूध भी पी लेते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो इसको एक सेक्रेड एनिमल समझ करते हैं और ये समझा करते हैं कि जिसने गाय की पूजा की वो जन्नत में जाएगा, उनका जो स्वर्ग है उनमें जाएगा, और गाय को कभी भी जो है वो इस तरह से हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मुसलमानों को गाय की कुर्बानी पर मलीच जो है उसका दर्जा पहले ही दिया गया था, और ये कहा गया था कि अगर मलीचों ने गाय को जो है वो जिबा किया तो हम इनको जिबा कर देंगे। इवन अगर किसी मुसलमान से किसी हिंदू का हाथ मिला भी लिया जाता था, उसके लिए लाजमी था कि वो इसको जो है वो गंगा के मुकद्दस पानी के अंदर धोए। इस तरह के हालात और वाकयात में दोनों कौमों का एक साथ रहना नामुमकिनात में से एक था। यानी कि आप किसी ऊंट को, किसी कैमल को सुई के नक्के से गुजार सकते हैं, सुई के टॉप से गुजार सकते हैं, उसके छोटे से पॉइंट से गुजार सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन दोनों कौमों को जो आप जो इकट्ठा कर सकें। दोनों की दोनों कौमों के जो है वो क्लॉथ डिफरेंस हैं, फूड डिफरेंस हैं, हाउस होल्ड डिफरेंट हैं, लेआउट ऑफ हाउसेस डिफरेंस हैं। है एक तरफ नमस्ते है, दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम है, चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक भी चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन चौथे नंबर पे जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास है इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डिफरेंस। मौशियात किसी भी कौम की तरक्की या तनजली का सबब बनते हैं। मुसलमान गरीब थे, दर हकीकत बहुत गरीब था। हमारे मुगलिया हुकूमत साल 1857 में गिरती है। मुगलों का गिरना था कि हमारे मुकद्दर के अंदर तनजली और तबाही लिखी गई। सारी की सारी चीजें एनिहिलेट कर दी गई, उन्हें खत्म कर दिया गया। जब ब्रिटिश आते हैं, गोरा सरकार आते ही सबके सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को करार देते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो इनसे सप्रेशन करते हैं और ह्यूमिलेशन का शिकार करते हैं। ब्रिटिश जो है उनको ये लगता था कि हमने ताकत जो कि मुसलमानों से ली है, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान सारे के सारे हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश करें। नतीजा क्या होता है, जहां से बगावत का खदशा होता है वहां पे पॉलिसीज को बड़ा हार्श कर दिया जाता है, हार्श और सीवियर पॉलिसीज को अप किया जाता है। 1857 की जंगे आजादी के बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा। जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो मुसलमानों के इंतहाई सख्त खिलाफ। मान लीजिए मुसलमानों को दोनों तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, इकोनॉमी के लिहाज से बिल्कुल गरीब थे, बिल्कुल पुअर थे। दूसरी तरफ से मुसलमानों के पास ना कोई मुआशी जो है मुआशी तौर पर महफूज थे, ना जिंदगी यहाँ महफूज थी, ना उनके पास माल दौलत थी, ना कुछ और था। और दिन ब दिन जो पॉलिसीज ब्रिटिश अप्लाई कर रहा था वो बड़ी खतरनाक। जब खतरनाक पॉलिसीज आती हैं तो मुसलमानों के लिए ये इकोनॉमिक डिजास्टर हो जाते हैं। दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल ही उल्टा है जब हम हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदुइज्म उनको प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस तो उनके घरों में ढेर था। क्या महाफिल मुनक्कद की जाती थी, क्या हिंदू जो है वो देवर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड द वेरी रीजन इज दैट That the Muslims, they were declared ineligible for the government service. So see, if you are declaring someone कि आप जॉब ही यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्या मुस्तकबिल और क्या हालात हो क्या? मुसलमानों के लिए ये दिन भी बड़े बुरे दिन थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि दिन जितने भी हैं वो चले जाते हैं। कुछ इसी तरह से ये दिन भी बड़े कैफ गुजर गए। हमारी मुश्किलात में से जो आखिरी मुश्किल थी वो हमारे पास पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। हम टू नेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। टू नेशन थ्योरी
पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंस जो है वो मुसलमानों का और हिंदुओं का वो बहुत ज्यादा था। दुनिया में इंतहाई ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए असल मसला तो 1864 में शुरू हुआ। ब्रिटिश जो गोरे बाहर से आए थे, उनकी बगावत या उनसे उम्मीदें क्या वाबस्ता करनी, जब 1864 में साथ ही रहने वाले राम और रामायण और वही अर्जुन और वही विष्णु जो दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया कि ये उर्दू गैरों की जुबान है, इसको निकाला जाए। ये 1864 में शुरू होता है और 1867 में उर्दू हिंदी तनाजा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और तो हमारे ही दोस्तों ने जो कल कला हमारे साथ थे, आज वो कहते थे कि इनकी जुबानों को भी निकाल दिया जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो खतरे में पड़। यहाँ से हमें पता चलता है कि हिंदू कौम जो है वो एक बड़ी एजिटेशन का शिकार थी, मुसलमानों को हर तरह से प्रेस करना चाहती थी, निकालना चाहती। उन्होंने उर्दू को कहा कि उर्दू का ऑफिशियली जो ये स्टेटस है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, खत्म किया जाए, ये हमने पढ़ा। हिंदुओं ने मुसलमानों को ये कहा कि हम लोग सबके हकूक का तहफुज करेंगे, और 1885 में AO ह्यूम साहब हैं जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कांग्रेस बना दी। AO ह्यूम, ये कांग्रेस जो है वो बनाने वाले, ये ऑब्वियसली ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश के ही कहने पे इन्होंने कांग्रेस को जो है वो वजूद में ले के आए। मुसलमानों को सियासी तौर पर भी हिंदुओं से ना तो कोई वाबस्तगी थी ना कोई लगाव था। अगर 1916 में लखनऊ पैक्ट के मामले पे इकट्ठे हुए भी थे तो ज्यादा देर तक वो भी नहीं चल सका। किस्मत की तरफ से अगर 1905 में बंगाल को तकसीम कर दिया गया था, तो बंगाल की तकसीम को भी बाद में खत्म कर दिया गया, वो भी हमने डिटेल से देखा। तो हिंदू तो कुछ भी मुसलमानों के हक में बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं। हमें यह पता चलता है कि सारे का सारा इल्जाम जो है वो लगा दिया जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मुसलमानों के। अब इन हालात और वाकयात में हमारे पास पिक्चर तब्दील होती है। पिक्चर तब्दील ये होती है कि जो मुसलमान हैं वो अब रिवॉल्ट करते हैं, मुसलमान बगावत करते हैं, बगावत ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं करते बल्कि वो बगावत करते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो खतरे में। अब वो समझाने की कोशिश करते हैं, पहले तो वो समझाने की कोशिश करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि जब हमारे यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, हिंदू हमारे पास हमारे कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो फिर उनकी एक ही डिमांड है कि भाई हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट करना। दुनिया के नक्शे पर जितनी भी कौमें आई, चाहे वो बांग्लादेश था, चाहे वो पाकिस्तान है, सारी की सारी कौमें जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट को ही बांध के आती हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट, मैं मुसलमान हूँ, मुझे वोट भी वही कास्ट कर सकता है जो मुसलमान है, ये हमारे पास सेपरेट इलेक्ट्रेट है। सेपरेट इलेक्ट्रेट ये बताता है कि अगर एक कैंडिडेट पर्सन ए वोट पे खड़ा होता है, इलेक्शन पे खड़ा होता है, तो सिर्फ मुस्लिम ही इसको वोट डाल सकते हैं और इसके लिए सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। मुसलमानों को जब हर तरफ से अपनों के घाव लगते हैं, अपने अपनों के धोखे मिलते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं एक तरफ जाने के लिए, और वह है सेपरेट इलेक्ट्रेट। सेपरेट इलेक्ट्रेट तो जिन इलाकों में आप लोग हिंदुओं को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन से, वहां पे मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएं, और ये भी कि मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान ही वोट डाल सके और हिंदू हिंदू को वोट डाल सके। ये हमारे पास सेपरेट इलेक्ट्रेट था। मुसलमानों का सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड को हिंदुओं ने दिन रात मेहनत करके पूरा किया। हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को तरह तरह से तकलीफ परेशान करते रहते थे, यही वजह है कि मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इनसे बिल्कुल सेपरेट हो पाए। सेपरेट
इलेक्ट्रोड कुछ इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन ये सेपरेट इलेक्ट्रेट का क्राइटेरिया किसको जाता है? ऐसे मर्दे मुजाहिद को जिसको हम मोहम्मद अली जिना के नाम से जानते हैं। मुसलमान शुरू से ही भोले भाले मासूम लोगों की तरह हिंदुओं के साथ जुड़ जाते हैं। और तो और मुस्लिम लीग ने जब लखनऊ बैठा 1916, जो शायद तारीख में पहला और आखिरी इंसिडेंट था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों यूनाइटेड हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इसमें मुसलमानों को सपोर्ट किया। तो ठीक है, हम लोग जो है वो हिंदुओं के साथ मिलकर काम करते हैं। हिंदुओं ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग जो है वो यही चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रेट की ही डिमांड आपकी है, तो हम इस डिमांड में रुकावट नहीं डालें। पहली दफा 1916 में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान रिलेशनशिप अच्छे हो गए। लेकिन गांधी, जो एक इंतहाई तेज तरार और शातिर दिमाग था, उसने खिलाफत मूवमेंट को ऐन मौके पर जाके खत्म कर दिया, ताकि सारे का सारा मलबा दोबारा से मुसलमानों के ऊपर आके गिरे और ब्रिटिश मुसलमानों के अगेंस्ट है। खिलाफत मूवमेंट जो मुसलमानों ने टर्की के अंदर खिलाफत को बचाने के लिए जारी किए थे, वो खिलाफत मूवमेंट जो है वो गांधी अचानक से खत्म कर गए। अब की दफा मुसलमानों की यूनिटी जो है वो बुरी तरह से मुतासर होती है, और मुसलमान इसके बाद कभी भी इंडिया और उसके गांधी कांग्रेस और उसके गांधी पे यकीन नहीं कर सके। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बाकायदा एक प्रोपोगंडा में लगे रहते थे। जैसे एक मूवमेंट में आपके सामने अर्ज करा रहा हूँ, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा मान लीजिए कि ये एक मूवमेंट थी जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि तो मुसलमानों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर। जैसे मैं ऊपर आपसे शुद्धि की बात कर रहा था, ये लोग सारे के सारे मुसलमानों को हिंदुओं में हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना चाहते थे बाय ऑल मीन्स ऑफ वायलेंस और बाय ऑल इंसेंटिव। आप ये सोच के हैरान रहेंगे कि कांग्रेस के लीडर्स उस दौर में उसी तरह से खामोश रहे जैसे जलियांवाला में क्रिश्चियंस के घर जले, लेकिन किसी भी मेजर सियासी पार्टी ने ना तो उस पर अपना बयान दिया और ना ही वहां पर जाकर विजिट किया, ना उन लोगों को जो है वो सपोर्ट किया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। तो हमारे पास जो है एक हिंदू शुद्धि है, दूसरी हमारे पास जो है वो संगठन की तहरीक है। संगठन तो मिलिटेंट मूवमेंट थी कि जब कोई हिंदुइज्म में नहीं कन्वर्ट होता था तो ये उसको ठीक ठाक छतरोल करने से भी गुरेज नहीं करता था। ये हमें बताता है कि हिंदू किस तरह एक तासुब वाली कौम थी मुसलमानों के खिलाफ 1947 में और उससे पहले। किसी भी कौम को अगर आप अंदर से खोखला करना चाहते हैं तो उसके नेशनल हीरोज को डिग्रेड करना शुरू करें, उनके नेशनल हीरोज को चोर डाकू लुटेरे दिखाना शुरू कर दें, और यही काम करना शुरू हो गए थे हिंदू जो है अपने उस दौर में। कि महमूद गजनवी तो लूटर था, ऑपरेसर था, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूटर था, जुल्म सितम करने वाला था। ये कुछ हालात तो वाकया चल रहे हैं उस वक्त के इंडिया का। कहानी में अब हमारे पास आता है दिल्ली पर बॉर्डर। मुसलमान इंडिया के अंदर बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े हालात तो वाकया तो उनके खराब हैं, और दिल्ली पर बॉर्डर अब हमारे पास आ जाते हैं। ये बात सच है कि 1960 इनका लखनऊ बैग एक बहुत बड़ी कामयाबी था सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, और ये भी सच है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो यहाँ पे अपने अरूज पे। लखनऊ पैक्ट की कामयाबी का सारा क्रेडिट सिर्फ एक ही बंदे को जाता है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग काम नहीं करते थे, लेकिन
जो डेडिकेशन मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर थी वो बाकी लोगों के अंदर नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चीज मांग ली उसको फिर लेके छोड़ा, और यही हमारे पास कुछ आता है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। मैंने जैसे कि ऊपर अर्ज किया कि इस चीज में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, तो कांग्रेस ने 1960 में मुसलमानों को लखनऊ पैक्ट के अंदर सपोर्ट किया, लेकिन इस चीज में भी कोई शक नहीं है कि 1916 के बाद उनका रवैया काफी जारहाना हो गया। 1926 तक अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस को दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, कांग्रेस आफ्टर 1926 और कांग्रेस बिफोर 1926, ये गलत नहीं होगा। 1926 हमारे पास जो है वो एक, इसमें क्या सिचुएशन होती है, साल 1926 में हिंदू महासभा जो है ये कांग्रेस का चार्ज संभाल लेती है। कौन है हिंदू महासभा, ऊपर मैंने बताया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यस इट इज संगठन, जिनका काम यह है कि हमने जबरदस्ती लोगों को हिंदुइज्म में लेके आना है। ये साल 1926 है और अब की दफा हिंदू महासभा के मिलिटेंट दहशतगर्द टेररिज्म वो सबके सब लोग जो कि मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, अब की दफा कांग्रेस के लीडरशिप में आ चुके हैं। यानी कांग्रेस की लीडरशिप में वो चेहरे हैं जो कि बहुत प्रेजुडिस रखते हैं पॉलिटिक्स में, वो चेहरे हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि ये क्यों इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इनकी पूरी की गई, इस तरह से तो ये हमारे कंट्रोल से निकल जाए। मोहम्मद अली जिना जब इन तमाम की तमाम चीजों को देखते हैं, नेहरू को नेहरू से मिलते हैं और नेहरू से कहते हैं कि देखो भाई नेहरू, मामला ये हैं कि मुसलमानों के ऊपर तुम लोग चिकचाक जुल्म और सितम कर रहे हो, तो बाज आ जाए इस चीज से, और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी इक्वल स्टेटस दिया जाए, मुसलमानों को भी जो इक्वलिटी के ऊपर लेके आया जाए, कांग्रेस तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करे। नेहरू ने भी एक रिक्वेस्ट मोहम्मद अली जिना से 1927 में करके 1926 में, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो हमारे पास आ जाती है हिंदू महासभा आ जाती है 1927 में, हमारे पास जिना के पास जो है नेहरू साहब एक दिन पहुंचते हैं। नेहरू अपनी वही रवायती लिबास के अंदर था, सर पे सफेद रंग की जो है वो कैप पहनी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, और मोहम्मद अली जिना वही अपने जो है वो अंग्रेजी ड्रेस जो उनका कोड होता है उसको पहने हुए था। नेहरू कहते हैं जिना मैं तुमसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी ये बात मानो तो हिंदुस्तान की 90% मसाइल हल हो जाए। जिना कहते हैं कि मुझे तो एम्बेसडर कहा जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, तो मैं क्यों नहीं करूंगा बताइए। वो कहता है कि यार अगर तुम लोग सिर्फ जो है वो सरेंडर कर दो अपना ये डिमांड कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट लेना है, अगर तुम इसको छोड़ दो सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करवा दो, तो हम बदले में कोई भी डिमांड जो है वो आपकी मान लेंगे। मोहम्मद अली जिना को नेहरू पे कुछ ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। मोहम्मद अली जिना दिनों एक बड़े अजीम जो है वो एडवोकेट हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अब की दफा मोहम्मद अली जिना जो है वो इस मंसूबे को, इस बात को बड़े गहरे और बड़े अच्छे अंदाज से देखते हैं। मुस्लिम लीग के तमाम लीडर्स को बुलाया जाता है, एक के बाद एक के पास खतूत जाते हैं जिस पर मोहम्मद अली जिना खुद सिग्नेचर करते हैं और बताते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि मार्च 20, 1927
सेवन को उन्होंने उस पर बुला दिया 20 मार्च 1927। मेरी बर्थडे वाला दिन है बाय द वे 20th मार्च, लेकिन साल 1927 नहीं, एक दो साल जो है इन्होंने गलत लिख दिया, 1929 का एग्जैक्ट सर्टिफिकेट चेंज हो गया। द मीटिंग, अब जो मीटिंग बुलाई जाती है मुस्लिम लीडर्स की, जिना उनसे कहते हैं कि देखो यार नेहरू आया था मेरे पास और नेहरू मुझे ये बात बताता है, जिन्ना के दोस्त कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब लेकिन जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे कर लीजिए, हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, हम इसको जो है आप जो करेंगे हम मान लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना इस पे सोचते हैं और ठीक ठाक सोचते हैं, आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके दिमाग में एक तरकीब आती है, तो कहते हैं कि ठीक है, नेहरू को दोबारा पैगाम भेजते हैं और नेहरू से कहते हैं कि मैं अपनी ये डिमांड छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ तजावीज हैं, मेरी कुछ बातें हैं, प्रपोजल्स हैं, वो अगर आप पूरा करो तो। ये प्रपोजल जो कि दिल्ली की मीटिंग में तय किए गए थे, दिल्ली में मुसलमानों की मीटिंग हुई थी, इसे दिल्ली प्रपोजल का नाम दिया गया। नेहरू को खत मिलता है, नेहरू बड़े जोश खरोज से खत को खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। टॉप पे लिखा है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे, नेहरू खुश हो गया। आगे लिखा है पहली शर्त, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। अब बॉम्बे एक ऐसा इलाका था जहां पे हिंदू अक्सरियत में थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर बात की जाती तो बॉम्बे और सिंध का मतलब ये था कि हुकूमत सिर्फ बॉम्बे से बनने से सिंध वाले मुसलमान तो हमेशा जो है वो दब जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड रखी कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दिया जाए। नेहरू काफी शातिर था, समझ गया कि जिन्ना से मैं सेपरेट इलेक्ट्रेट लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन्ना तो बहुत तेज है, उन्होंने मुझे जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट खत्म करके पूरे का पूरा प्रोविंस मुसलमानों के लिए अलग करवा रहे हैं। तो उसने कहा कि चलें बाकी बातें तो फिर होंगी, ये पहले वाली बात मैंने नहीं मानी, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा। जिन्ना के खत में दूसरी जो है वो तजवीज को पढ़ते हैं, दूसरी में जिन्ना लिखते हैं कि देखो आप लोगों को दो ऐसे सूबे जहां पर मुस्लिम अक्सरियत में है, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वहां पे आपको इन दोनों के दोनों सूबों को आपको इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा, इनको प्रोविंस का स्टेटस देना पड़ेगा जो कि अभी तक नहीं। नायडू का माथा ठटकता है, यार मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट कहा लेकिन ये मुसलमानों का एक प्रोविंस, ये दूसरा, ये तीसरा प्रोविंस बनवा रहा है ये बंदा। मेरे क्या, नेहरू ने कहा कि ये बात मुझे मंजूर नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात। तीसरी तजवीज जिन्ना कहते हैं, उसी खत में लिखते हैं कि देखो भाई मैं अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम ये गारंटी दो कि मुसलमान जो है वो उनके लिए जो नशिस्तें होंगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो मरकज में है, जैसे हमारे पास अभी मरकज जो है वो हमारे पास है इस्लामाबाद, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। मान लीजिए कि इस्लामाबाद में टोटल हमारे पास 75 सीटें हैं, जिन्होंने ये कहा कि उसमें जो 25 सीटें हैं वो बैक वक्त जो है बैक वक्त जो है वो मुसलमानों के लिए रहेंगे, इसके ऊपर कोई हिंदू नहीं आ सकेगा, हमने सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया, लेकिन ये सीटें आप रिजर्व करवाना आपका काम है, ये आप करवा दो। नेहरू तकरीबन खत को फाड़ने के करीब आ चुका था, उसने कहा यार मैंने सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, ये बंदा मुझे 3 प्रोविंसीज अलहदा करवा रहा है, ये मुझे ये कहता है कि 25 सीटें मैं इनके लिए रखूं, 50 हिंदुओं के लिए रखूं। उसने इसको भी क्रॉस कर दिया। नंबर फोर्थ पे वो आखिरी तजवीज पढ़ के फिर उस खत को फाइनली फाड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि मुसलमानों को बंगाल और पंजाब के अंदर भी उनकी तादाद के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन दे जाए। शायद नेहरू ये नहीं जानता था कि
उसका पाला किस दिमाग से पड़ा है, और वो मोहम्मद अली जिना। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है कि एक दफा ट्रेन में सफर कर रहे हैं और एक जो है वो बहरूप की आख खातून तैयार कर रहे हैं, वो इनके पास बैठ जाती है। वही ने कहती है कि नौजवान लड़के तुम्हारे पास जो कुछ है तुम निकाल दो, वरना मैं लोगों को अभी यहाँ पे आवाज देना शुरू कर दूंगी, शोर बर्पा कर दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। जिना कहते हैं कि मैं सुन नहीं सकता, मैं कुव्वते समाज से महरूम हूँ, ये बातें मुझे लिख के दे दें ताकि मैं उसको पढ़ के आपकी बात पे अमल कर सकूं। जैसे ही लिखा, जिना ने जो है वो जंजीर खींची, पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया उसके सबूत के साथ। मोहम्मद अली जिना तो एक ऐसा दिमाग रखते थे। तो नेहरू जो है उनको शायद किसी चीज की भूल थी। मोहम्मद अली जिना ने एक खत बनाया और खत में ये चार तजावीज लिख के उनको नेहरू के पते पर साल कर दिया। जिना समझदार थे, लेकिन लाजमी नहीं कि जिना के साथ सारे के सारे लोग भी इन्हीं की समझ रखते। मुसलमानों का एक गिरोह जो सर मोहम्मद शफी जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिना साहब हमें आपका ये मंसूबा जो है वो मंजूर नहीं, आपने सेपरेट इलेक्ट्रेट को अगर खत्म करने की बात भी की तो ये हम नहीं मानेंगे। और बदले में उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग से खुद को अलग करते हैं, मुस्लिम लीग से हम खुद को ही अलग करते हैं। दिल्ली प्रपोजल हो रहे हैं, उन्होंने अपनी डिस अप्रूवल दे दी। शुरू शुरू में नेहरू के अलावा बाकी लोगों ने कहा जिन्ना की बातें तो बड़ी अच्छी हैं। जब उन्हें पता चला कि जनाब जिन्ना जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दिया है, जिसका मतलब है शायद पाकिस्तान बनने की बात ही छोड़ दी है, अब इसका मतलब है वो, उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। जब फिर जिन्ना की बातें उनको समझ में आना शुरू हुई, क्योंकि उस दौर में भी पॉलिटिशियंस ऐसे ही थे जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो मुझसे फिलोसफी दिया करते हैं, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन उस दौर में भी चलती थी। जैसे जैसे उन्हें समझ में आया तो उन्हें पता चला कि जिन्ना जो है ये तो हमसे एक नया मुल्क छीन के लेकर जा रहे हैं। अब की दफा उन्होंने ये कहा कि अब उन्होंने वंस अगेन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान किसी भी तरह से कोई भी राइट या अनराइट हो। उन्होंने दोबारा से इरादा किया कि हम मुसलमानों के साथ पूरी ताकत के साथ दोबारा हुकूमत करें। दूसरी तरफ दो बैलों की लड़ाई हो रही होती है, दो ऑक्सेस लड़ रहे होते हैं, नीचे मेंढक बेचारे बैठे अपना जश्न मना रहे होते हैं। जहां पे बड़े बड़े बैल लड़ रहे होते हैं, उनके पांव के नीचे जो घास है वो बिलावजह जो है वो कुत्ते जाती है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने बातों में थे, साइमन कमीशन का आगाज हो जाता है। साइमन कमीशन के बारे में समझने से पहले ये याद रखिएगा कि साइमन एक इंसान का नाम है, एक बंदे का नाम है, और कमीशन जो है इसको भेजा जाता है किसी मकसद के लिए इंडिया में। तो सर साइमन कमीशन किसी मकसद से, किसी वर्ड से जो बंदा इंडिया में आता है वो साइमन कमीशन है। कहानी में कुछ बैकग्राउंड पे चलते हैं। असल में हुआ कुछ यूं था कि दो लोग हमारे पास मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे जो कि 1919 में हुई थी। ये हमारे पास कुछ रिफॉर्म्स थी, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, ब्रिटिश गोरा बहुत सयाना होता है, बहुत समझदार होता है, वो हमेशा अपनी पॉलिसीज से एक फीडबैक लेता है, उसको चेक एंड बैलेंस रखता है। उन्होंने देखा कि हमने जो है वो 10 ईयर्स के बाद फॉलो अप लेना है मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को। उन्होंने ये कहा, दरहकीकत अब ब्रिटिश यहाँ से जाना चाहता था। ब्रिटिश ने ये कहा कि हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये चाहते हैं, 1927 में हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो हमें ये कुछ रास्ता दिखाएं, कुछ बताएं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा बने।
भाई हिंदुस्तान जो है वो तुम लोगों का अपना है, हम लोग यहाँ से ऐसा ऐसा निकल जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड वार वन जो है वो हो चुकी थी, और वर्ल्ड वार वन के बाद से ही जो है वो ये लोग चाहते थे कि अब हम यहाँ से इंकलाब करें, यहाँ से निकल जाए। एक कमीशन बना दिया जाता है सर जॉन साइमन की हेडशिप। सर जॉन साइमन जो है उन्हें कहा जाता है कि भाई आपने रिपोर्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, आपने ये बताना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो आईनी चीजें हैं जो इन दोनों जमातों को, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एतमाद मिले, और इनसे कहें कि आप जो है वो हमें इसका कोई आयन जो है वो बना के दें। अगर ये आयन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम पावर इनको देकर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मजीद लूटने के लिए कुछ है नहीं। और हम यहाँ पे इसलिए तो नहीं आए कि हम यहाँ से जो है वो इन लोगों से के लिए रेल बनाए, इन लोगों के लिए कुछ मजीद काम करें। खसूसन उन्होंने ये देखना था, एक ही काम था साइमन कमीशन का, कि हम पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया को देखें और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकें। एक गलती यहाँ पे ब्रिटिश कर बैठा, उसने कमीशन को भेजा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। मुसलमानों को जब ये पता चलता है कि एक हमारे पास कमीशन बनाया गया है और उस कमीशन का मकसद ये है तो वो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस को देखे, मेरे घर से जब किसी बंदे को लिया ही नहीं जाएगा उसको कैसे पता चलेगा कि हमने आईन कहाँ तक बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इरादे क्या है। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को बताई जाती है। तो जिन्ना साहब वो सर जॉन साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश ने अपॉइंट किया है, उसका काम ये है कि वो उसने यहाँ से ये रिपोर्ट करनी है, ये बताना है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एक्टिविटीज कहाँ तक पहुंची है। जिना कहते हैं कि इस कमीशन का बायकॉट कर दो, जिस कमीशन ने हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं बात की, आखिर हम हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कैसे अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं। तो बायकॉट करें, एहतजाज करें, ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमानों का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया गया। सर मोहम्मद शफी जो के हमारे पास दिल्ली प्रपोजल्स के बाद नाराज हुए थे और अलहदा से मुस्लिम लीग का धड़ा बना लिया था, वो कहते थे कि साइमन कमीशन ठीक है। उन्होंने कहा कि साइमन कमीशन को कि अगर आपको हमसे कुछ मालूमात चाहिए हो तो हम हाजिर हैं, हम आपके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग ने इसको इनकार कर दिया था। इंडिया के अंदर साइमन कमीशन के आने से एक हलचल मच गई थी। आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, इसी की बेस पे तो हिंदुस्तान की आजादी का फैसला होना था। अच्छा, ये कमीशन जहां जहां भी गया कानूनी जायजे कॉन्स्टिट्यूशनल की जो है वो अपग्रेडेशन की तरफ देखने के लिए, इसको वहीं वहीं पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने हॉस्टल डिमोन्स्ट्रेशन दिया, लोगों ने ठीक ठाक एहतजाज किया, लोग नारे लगाना शुरू कर देते थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और उर्दू में और हिंदी में साइमन दफा हो जाओ, साइमन दफा हो जाओ। कमीशन जो है उसने कहा कि सब के सब लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसने डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई और उसको सबमिट करवा दिया ब्रिटिश में, गवर्नमेंट को भेजा गया। गवर्नमेंट ने इस कमीशन की रिपोर्ट को माना, हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको जो है वो इनकार कर दिया था, और इसकी बेस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि ये वाली अमेंडमेंट्स हमें चाहिए, और उन्होंने अमेंडमेंट्स बता दिए। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कहा, जब तुम लोगों ने हमें सुना नहीं है, ये कैसे जो है तुम लोगों ने अमेंडमेंट्स बना दी हैं कि ये चीजें जो है वो इसके अंदर होंगी। दोनों के दोनों ने कहा कि सर जॉन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है हम इसको नहीं मानते। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं।
जी आमिर साहेब और मैडम मानव साहबा। जी डॉक्टर आमिर साहब। नेहरू रिपोर्ट जो है कांग्रेस को जब ये पता चलता है कि साइमन भाईजान अपनी रिपोर्ट जो है वो दे चुके हैं और उसी की बेसिस पे नए नए डिसीजन आ रहे हैं, साइमन जो है उस कमीशन के जवाब में लोग जो है वो भागे भागे नेहरू साहब के पास आते हैं। नेहरू नेहरू ये देखें ये रिपोर्ट आ गई है, रिकमेंडेशन आ गई है, हमसे पूछा नहीं गया, इंडिया के अंदर कानून साजी होगी, अब कानून बनेंगे और हिंदुस्तानियों की मर्जी के बगैर बनेंगे। नेहरू चाय का एक कप लेकर बैठा हुआ था। नेहरू ने रवायती तरीके से उन सब लोगों को कहा कि भाई गधो यहाँ पे बैठो और मुझे कुछ सोचने दो, मैं तो खुद ये सबों का रिपोर्ट पढ़ के बड़ा परेशान हूँ। नेहरू ने अब इसके दफा इस रिपोर्ट के लिए कुछ रिकमेंडेशन तैयार करना शुरू कर दी। दरअसल ब्रिटिश में ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट में अक्टूबर 1927 को ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसको पेश किया जाता है और इसको जो है वो पास कर लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, मैंने जैसा कि बताया कि वो इसको इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और तो न सिर्फ रिजेक्ट करते हैं बल्कि वो ये भी कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम एहतजाज करेंगे। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न ऑफ इंडिया यानी इंडिया के आइन का फैसला अब ये जॉन साइमन करेगा। उन्हीं दिनों में लॉर्ड ब्रिकनहेड जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, याद रखिएगा ब्रिकनहेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ये बहुत बड़ा होता था। ब्रिकनहेड के नोटिस में ये बात लाई जाती है कि ब्रिकनहेड तीन लोग हो गए ना, एक तरफ हमारे पास कांग्रेस है, एक तरफ मुस्लिम लीग है और एक तरफ जो है वो हमारे पास ब्रिटिश है। ब्रिटिश से ब्रिकनहेड है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है। उन्हें पता चलता है, इन्हें आके लोग बताते हैं, सर द पीपल दे आर प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द बोर्ड, we have seen a lot many riots from the Muslim League, from the Congress, the people they are not accepting the Sir John Commission's report, so it is time to say something, so it's time to do something। दूसरी तरफ नेहरू के पास लोग पहुंचे हुए हैं, नेहरू जी आपको कुछ कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, परंतु ये साइमन कमीशन तो हमारे मुस्तकबिल को ले डूबेगा। इधर मुसलमान जिना के पास है, जिना साहब आप इन तमाम जो कागजात हैं इनकी मुसद्दका नकुल को मरहमत फरमाई है और इस पे अभी के अभी कुछ ना कुछ अहकाम सादिर फरमाई है। एक सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है तीनों के तीनों ग्रुप्स के अंदर। ब्रिकन हेड जो है वो बड़े एनआई होते हैं, बड़ा नाराज होते हैं, चूंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया है तो ये नाराज होते हैं। वो कहते हैं किस किस्म की फुलिश आवाम है, कितनी पागल आवाम है, ये लोग हमारे साथ तो दूर की बात, ये तो आपस में एक दूसरे के साथ भी मुतहिद नहीं है। नाराज हो जाते हैं वो, कहते हैं और उनके एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो ये हैं, द इंडियंस आर सो डिवाइडेड अपोज्ड एंड फेड अप ऑफ ईच अदर दैट दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस एन अनएनिमियस एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अनएनिमियस जो है वो हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे ही नहीं पा रहा है। जैसे लॉर्ड विनर जो है वो इनकी स्टेटमेंट को मुख्तलिफ कोनों कोनों में खिलाया जाता है, बताया जाता है। लोग बड़ा गुस्सा करते हैं कि बिकनहर जो है वो उसने बड़ी घटिया बात की है, हम इंडियंस के ऊपर ये इल्जाम लगाया। वही नेहरू के पास एक रिपोर्ट जाती है, नेहरू साहब आपने सुना, बिकन हेड कहता है ये इंडियन तो इतने गधे हैं कि इनसे अपना एक आयन भी नहीं बनता, ये इतने गधे हैं कि छोटी छोटी बातों पे डिवाइडेड हैं। नेहरू गुस्से में आ जाता है, अच्छा तो ये बात है, अब
की दफा ये हम चैलेंज कबूल करेंगे और अब की दफा हम जो है वो अनोनिमस प्रपोजल दे के दिखाएंगे। अनोनिमस प्रपोजल जिस पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का इत्तफाक हो, ताकि ये लॉर्ड ब्रिकनहेड को पता चल सके कि गधे हम नहीं, गधे तुम हो, हम तुम्हें रिपोर्ट दे सकते हैं। नेहरू फौरन से खत लिखता है और सारी की सारी पार्टी जो हिंदुस्तान की हैं उनको खत लिखता है, बताता है कि अबे गधो ये देखो ब्रिकनहेड हमें क्या कह रहा है। साल 1928 यानी 1928 एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है सारी की सारी पार्टी जो है वो उन्हें कहते हैं देखो भाई अब की दफा हमारे ऊपर ये एक चैलेंज है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन देना है, तो हम सारे के सारे इख्तलाफात बुलाने की कोशिश करते हैं, तो चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, रिफॉर्म बनाते हैं। तो हमारे जो है एक हमारा मकसद ये होगा कि हमने हिंदुस्तान के लिए फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिजाइन करना। कहते हैं अंधा बांधते खीर बार बार अपनों में। ये एक कमेटी जो बनाई जाती है उसकी प्रिजाइडिंग जो है वो मोतीलाल नेहरू कर रहे होते हैं, यानी मोतीलाल नेहरू जो है वो इसे देखते हैं। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस ने अपने ही बंदों को नवाजना शुरू कर दी, जो कि हमारे पास जो है वो सवर्जिया पार्टी के लीडर थे। दूसरे नंबर पे दूसरे मेंबर जो है वो तेज बहादुर थे, जिसके बाद और जी आर प्रधान थे, एम आर जेकर थे और सर अली इमाम और शुएब कुरैशी जो है वो मुस्लिम मेंबर्स, दो मेंबर्स मुस्लिम मेंबर शामिल किए गए। गुजारिश ये की है कि भाइयों कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनानी है, कुरान बनाना है ताकि पता चल सके। जिन्ना को पता चलता है कि सर अली इमाम और शुएब कुरैशी को शामिल कर लिया गया है, अब मोहम्मद अली शफी के ग्रुप से जो कि मुस्लिम लीग से अलहदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि कम अज कम उतने बंदे तो ले लो कि जिनसे कम अज कम कोई बात हमारी कन्वे हो सके। तुम लोगों ने बंदे तो ले लिए मुस्लिम लीग के नहीं लिए, सर मोहम्मद शफी वाले ग्रुप से ले लिए हैं, लेकिन वो तो हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई इनकी तरफ से जो बातें होंगी उन्हीं की बातें होंगी, हम तो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इनको भी मोहम्मद शफी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आपने तो उस मीटिंग अटेंड करनी है, ये सिग्नेचर उसके ऊपर पुट करते हैं और उसके बाद जो है वो ये जाओ वो जाओ। ये रिपोर्ट जो उस कमेटी ने वहां पे बनाई और उसको सबमिट करवाया, ये हमारे पास नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाने जाते, नेहरू रिपोर्ट जो है। अब ये रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, क्या कहा जाता है, ये पढ़ के देखते हैं। हमारे पास नेहरू रिपोर्ट के हम कुछ पॉइंट्स को एक एक को पढ़ते हैं और इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉइंट है। पहला पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं। Full responsible government on the model of the constitution of the self-governing dominions to be introduced in the subcontinent. नेहरू ने एक चीज बताई, उसने कहा कि देखो भाई बिकन है तुमने हमें ये कहा कि हम लोग जो है वो आयन नहीं बना सकते। पहली बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, वो कहीं और से कंट्रोल नहीं की जाएगी, उसे हम जो है वो खुद कंट्रोल करेंगे। हम जो है वो खुद कंट्रोल करेंगे कैसे, हम जो है वो सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन को लेकर समझ। तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जिसमें हम खुद अपने आप को गवर्न करें, ना कि आप वहां ब्रिटिश से बैठे हैं कंट्रोल। पहला पॉइंट इसका जिसपे सबसे पूछा गया तुम्हें मंजूर है, तुम्हें मंजूर है, सबने कहा हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। आगे पॉइंट नंबर टू, Separate electorate should be replaced by the joint electorate with reservation of seats for the minorities in proportion to their population. मोहम्मद अली जिना ने पहले कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ही सूरत में छोड़ सकता हूं अगर तुम लोग सीटें रिजर्व करो,
नेहरू ने सोचा जिन्ना खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो तुम लोगों ने मुसलमानों का और बाकी सबका बनाया, इसको खत्म कर दो और सीटें जो है वो रिजर्व कर दो मुसलमानों के लिए और बाकी सबके लिए उनकी आबादी के लिहाज से। ये मेरा दूसरा मेन पॉइंट है। ठीक है, तो तीसरा क्या है? The foreign affairs, defense, and army should be placed under the control of parliament and Viceroy. हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे अभी भी शोबे हैं जो आपको लगेगा कि कहीं इंडिया हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे। आप कुछ शोबे जो हैं वो आप अपने पास रखते हो, उनमें फॉरेन अफेयर्स हैं, डिफेंस है और आर्मी जो है, ये आप चाहें तो इसे इंडियन पार्लियामेंट और उसके ऊपर आपका अपना वॉइस राय जो है वो हो सकता है। तो हम आप हमें अगर फुल कंट्रोल नहीं भी अभी देते हैं तो हम ठीक है, हम आपके सुपरविजन में कुछ साल मजीद काम करने के लिए तैयार। जी आगे। Since should be separated from Bombay to a new province if it were capable of bearing its expenditures. सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए, लेकिन तभी अलग किया जाए, तभी अलग किया जाए अगर जो है वो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करे। इस तरह से ये है जिस तरह से किसी बच्चे के पास आए कि तुम अगर ये इम्तहान टॉप कर लोगे तो तुम्हें मैं ये वाली चीज जो है ना। नेहरू का ये फोर्थ पॉइंट था, नंबर फिफ्थ। Full provincial status should be given to NWFP and Balochistan. हाँ भाई, जिन्ना की जो बात थी वो भी कि NWFP को और बलूचिस्तान को भी फुल जो है वो प्रोविंस का स्टेटस जो है वो दे दिया जाए, नंबर सिक्स। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द सेंटर. हमें ये नहीं मंजूर है कि यहाँ पे कोई और हुकूमत हो, वहां पे कोई और हुकूमत हो, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसको एस्टेब्लिश कर दिया जाए सेंटर में और वो पूरे के पूरे इंडिया को कंट्रोल करे। हिंदी शुड बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज. पर हाँ यार, ये हिंदी को कौमी जुबान बना दो, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। नेहरू ने ये रिपोर्ट देने के बाद पूछा, हाँ भी कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा, वही जो आपने लियाकत ने पूछा था। सबने बड़ी तालियां बजाई कि आपने, नेहरू आपने तो कमाल कर दिया, क्या खूबसूरत बात कही है। अब ये रिपोर्ट उसने कहा बड़े बड़े अखबारों में पब्लिश करवा दो। आखिर 7 दिन लगा कर उसने 7 पॉइंट लिखे थे नेहरू ने। साल 1928, अवामुन्नास को ये बताया जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने मोती पड़ो दिए हैं इस रिपोर्ट में। अवामुन्नास जैसे पढ़ती है ये बात, जब जमील पढ़ता है, रोहेल पढ़ता है, मुसलमान पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो समझ रहे हैं कि इसके तक बेवकूफ इंसान है, ये कैसे उसके पॉइंट लिखते हैं। पहली बात यह है कि मोतीलाल नेहरू ने ये कहा है कि भाई सेंटर में गवर्नमेंट रख दो, यानी सूबों को कोई इख्तियार ना दो, सेंटर में गवर्नमेंट रख दो। और इसका मतलब ये है कि जो भी सेंटर के अंदर जो पार्टी जो है वो ज्यादा वोट लेगी, इसका मतलब ये सारे के सारे सूबे उसके मातहत चले जाएंगे। मान लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे पास वोट लेती है, उसके MNAs जो है वो सिर्फ सबसे ज्यादा है, उसके MNAs से ज्यादा है और उसके सेंटर में जो है वो हुकूमत है, जबकि बाकी जो है वो चारों प्रोविंस में मुख्तलिफ पार्टीज की हुकूमत है और सारे के सारे इख्तियार सेंटर के पास हैं। तो ये यहाँ पे सब क्या काम करें? ये रिपोर्ट यहाँ पे आती है, ये रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन आता है। दूसरे नंबर पे मुसलमानों को ये एतराज था कि ये सरासर एंटी मुस्लिम था। उन्होंने कहा कि ये किस तरह की रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की है? क्या ऐसी रिपोर्ट होती है? आपने तो मुसलमानों के तमाम चीजें जो है वो खिलाफ कर दी, मुसलमानों के तमाम चीजें जो है वो क्या गैस कर दी। कांग्रेस से पूछा गया कि आपको ये सारी बातें मंजूर हैं? कांग्रेस ने कहा हाँ, मुझे तो ये सारी की सारी बातें जो है वो इमीजिएटली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, इमीजिएटली एक्सेप्ट कर लिया। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को, तो भाई देखो अगर तुमने ये बातें हमारी ना मानी तो हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करें। दिसंबर 1928 में जो है वो हमने ये रिपोर्ट दे दी है मोतीलाल नेहरू ने। मोती ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं बैठ के पढ़ा, और अब मोती ने ये रिपोर्ट अगर तैयार कर ली है तो अब ये लागू हो।
1929 तक ये पूरे पूरे इंडिया में लगभग सारे मुसलमानों में बड़ी बेचैनी फैल गई। ये क्या हुआ? तो मोहम्मद अली जिना जो है वो मुसलमान भागे भागे मोहम्मद अली जिना के पास। जिना एक बिल्कुल मुनसिफाना सोच रखने वाले बंदे थे। जिना कहते हैं ठीक है, नेहरू से कुछ गलतियां हो गई। नेहरू तीन तरह की, अगर तुम तब्दीली कर लो इस रिपोर्ट में तो बाकी बातें ठीक है। ये जो तुमने मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो ना, सीटें रिजर्व कर दो, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 25 सीटें मुसलमानों के लिए कर ही दो, यानी जितनी भी 1/3 कर दो। इसी से कतई नगर कितनी सीटें हैं वो तुम कर दो, तो हमें तुम्हारी रिपोर्ट मंजूर है। पंजाब के अंदर और बंगाल के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन बना दो, मैं मान लेता हूँ। और ये जो तुम कहते हो ना कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास होंगी, ये प्रोविंसेस को दो, जो हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ ऐसी हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, एक लिस्ट होती है, और एक लिस्ट होती है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। जिना कहते थे कि सारी के सारी रेजिडुअल पावर जो है वो प्रोविंसेस को दे दो। ये अमेंडमेंट खत में बंद की जाती है, और नईम साहब जैसे एक जोशीले इंसान को दे दी जाती है कि जाइए ले जाके मोती लाल नेहरू को दे दीजिए। ये प्रपोजल नईम साहब जैसा जो है वो एम्बेसडर जाता है और मोतीलाल नेहरू को मुंह पर मारता है। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं, तीसरी तरफ जो डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो हमारे पास एक बड़ा अच्छा कमेंट देता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये दोनों की दोनों जो कौमें हैं, मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। इन दोनों की दोनों कौमों के अंदर बहुत फर्क है, ये दोनों कभी भी एक किसी भी चीज पर जो है आमादा नहीं हो। अब हमारे पास जो है कायद आजम मोहम्मद अली जिना जो है वो इसको सारे की सारी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं कि अगर इसमें ये आप ये अमेंडमेंट नहीं करते हैं तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मुस्लिम लीग की एक मीटिंग बुलाई जाती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है, और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास होती है? सर आगा खान के पास। 1929 पहला मुतालबा मुसलमान कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू सेपरेट इलेक्ट्रेट के पीछे तुम ऐसे पड़ गए हो जैसे कोई कुत्ता हड्डी के पीछे पड़ जाता है। ये नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर है। दूसरा, तुम ये चाहते हो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी ताकत हो, सेंट्रल के पास हो, प्रोविंस जो है उनके पास कुछ ना हो। हम ये कहेंगे कि सूबों के पास ताकत हो, सेंट्रल के पास ताकतें कम हो। और जैसे हमारे मौजिज जिना ने बताया कि 1/3 सीट्स हैं वो मुसलमानों को देनी चाहिए, तो ये तुम खत्म करके दिखाओ, हमने खत्म होने जाए। और मुसलमानों को फेडरल में भी सीटें दो और प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में भी इनका कोटा रखो। और जहां जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं वहां पे मुसलमान को जो है वो मुसलमान मेजोरिटी को जो है वो रिवाइव करें, उनको वोट। मोहम्मद अली जिना अपने दोस्तों की बातें सुन के थोड़े से परेशान हो जाते हैं, गहरी सोच में चले जाते हैं, और उसके बाद जिन्ना एक फैसला करते हैं। जिन्ना सोचते हैं कि इनको नहीं पता चलेगा, मैं कुछ अपना फॉर्मूला देने की कोशिश करता हूँ, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को देने का कोशिश करते हैं नेहरू रिपोर्ट। साल 1929 में एक मीटिंग होती है और मोहम्मद अली जिना अपने 14 पॉइंट्स में वो रहते हैं। 14 पॉइंट्स क्या थे? मोहम्मद अली जिना जो है पाकिस्तान बनने की बुनियाद डाल दी थी बड़ी जहानत से और बड़ी अकलमंदी से मोहम्मद अली जिना। पहली बात तो देखो भाई, तुम लोग ये जो बातें करते हो, नेहरू ने कहा कि मैंने बरकस वाली हुकूमत को सबसे ज्यादा ताकत देनी है, दे दो बरकस वाली हुकूमत। रेजिड्यूअल पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होने चाहिए, जो
रेजिड्यूअल पावर्स हैं, वो वाली पावर्स हैं जो प्रोविंसेस के पास जाएंगे, तो प्रोविंसेस ताकतवर आएंगे। आप ये जो आयन बनाना चाहते हो उसमें मरकज बनाओ, फेडरल गवर्नमेंट रखो, मैं ये नहीं कहता फेडरल गवर्नमेंट नहीं रखो, लेकिन ताकत प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। दूसरा नंबर, मेरा दूसरा पॉइंट ये है, मैं वाजह कर दूं कि जो ताकत है वो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी होनी चाहिए। पंजाब सिंध सरहद जो है वो ये मरकज से ना पूछते फिरे कि हम पानी ले लें, हम ये करें, हम वो करें, खुले में यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमी। तीसरा, मुल्क के अंदर तुम लोगों को कानून बनाना पड़ता है, तो भाई जो कानून बनाओगे ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ कानून बना दो और मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो असेंबली में। तो भाई जिसके भी कोई भी कानून बनाना है उस कौम का बंदा वहां पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये काम खराब है। और जिना कहते हैं वही बात जो मैंने पहले की थी कि मरकज में मुसलमान 1/3 से कम हो ही नहीं सकता। सेपरेट इलेक्ट्रेट सिर्फ मुसलमानों का हक ही नहीं है, जो बुद्धिज्म है, जो जैन है, जो दूसरे जो है वो मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी हक है, उन्हें भी दो। तो हम ये कहते हैं कि सबकी सब कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दो। किसी पारसी के लिए जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम या हिंदुइज्म को वोट दें, वो पारसी लीडर को वोट दें अपने। ये जिना के 5 पॉइंट। छठा, वो ये कहते हैं कि तुम लोग अगर अभी ये मेरी बातें मान लो और कल कलां तो फिर से जो है वो कोई अब पार्टीशन कर दो जैसे तुम लोगों ने बंगाल के अंदर किया था, भाई तुम जैसे मर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, टेरिटरी को तकसीम करने की कोशिश करो, लेकिन मुसलमानों की मेजोरिटी हिट नहीं होनी चाहिए पंजाब बंगाल और खैबर पख्तूनख्वा में। उसके अलावा हर तरह की मजहबी आजादी होनी चाहिए, अपने मजहब को प्रमोट करने के लिए, वर्शिप के लिए, ऑब्जर्वेंस के लिए आजादी होनी चाहिए। कोई बिल, कोई रेजुलेशन किसी के खिलाफ नहीं आ सकता जब तक कि उस कौम के 4 में से 3 बंदे जो हैं वो ये ना कहें कि हाँ जी ठीक है। मुसलमानों के अगर आपने गायन पे पाबंदी लगानी है और आप कहते हैं कि मुसलमान की कौम के बंदे भी हमारे साथ मुत्तफिक हैं, तो 4 में से 3 बंदे जो हैं वो मुसलमानों के लीडर्स जो हैं वो उस बिल के ऊपर साइन करेंगे, तो फिर जो है वो आप बिल लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए, सिंध मुस्लिम इलाका था तो अलग कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान यानी कि NWF के बलोचिस्तान में जो है वो इनको प्रोविंस बनाए थे, जिना की वही बात है जो उन्होंने पहले की। मुसलमानों को इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर भी हकूक दिए जाए, यानी मुसलमान भी अच्छी सी जॉब पे अप्लाई कर सकें। जो आयन है वो ऐसा आयन होना चाहिए कि वो सबकी प्रोटेक्शन करे, सबके राइट्स की प्रोटेक्शन करे, मुसलमानों की एजुकेशन, लैंग्वेज और सिविलाइजेशन की। देखें जिन्हें आप जो बातें कर रहे हैं सब मुसलमानों की कर रहे हैं, आप कोई यूनिटी वाली बातें नहीं कर रहे हैं। कोई कैबिनेट, कोई फेडरल गवर्नमेंट, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर उसमें एक तिहाई मुसलमान नहीं है कि हर 3 बंदे हैं और 3 में से 1 मुसलमान नहीं है, तो भाई हम उसको नहीं मानते, तुम जो है वो उसको उठा लो, वो फजूल है, हमने उसको एडमिट ही नहीं करता, यानी हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाल दिया, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते और हम तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकते, अगर 1/3 वाला फार्मूला ना रहा। फिर अब जो है अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट में तब्दीली लानी है तो वो भाई स्टेट्स हैं वो उनसे पूछ के लाओगे, स्टेट से पूछोगे, स्टेट्स यानी प्रोविंसेस बताएंगे, फिर ही तब्दीली आएगी, वरना नहीं तब्दीली आ सकती। और इसके साथ जिन्ना ने भी जो है वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। जिन्ना की वही बातें थी जो उन्होंने पहले की थी, हिंदुओं के घरों में तो सफे मातम बिछो। उन्होंने कहा ये जिन्ना आपने दो मोहब्बत करने वाले कबीलों को तोड़ने वाली बातें की। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कहा छोड़ो जिना जो है वो एक पागल बंदा है,
उन्होंने ब्रिटिश से डिमांड की कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें 31 दिसंबर 1929 तक मिल जाना चाहिए, और ये नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा देख तुम लोग हमारे गुलाम हो और हमें एतमाद दे रहे हो। गवर्नमेंट ने कांग्रेस की ये रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी कि हमने मोतीलाल नेहरू की बातें मान ली। वाइस राय उन दिनों लॉर्ड इरविन था। वाइस राय लॉर्ड इरविन जो है वो अक्टूबर 1929 में कहते हैं मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐलान करना चाहता हूँ। अब वो ऐलान क्या है, इस ऐलान को मैडम इंसा साहबा पढ़ती हैं और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, और इस ऐलान के बाद फिर हम जो है वो सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अलामा इकबाल का जो एड्रेस है उसको वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा और फिर जो है वो हम उसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। जी मैडम प्लीज पढ़िएगा। I am authorized by His Majesty's government to state clearly that in their judgment, it is implicit in the Declaration of 1917 that the natural issue of India's constitutional progress, as there contemplated in, is the attainment of dominion status. हमारे पास जो है वो लॉर्ड इरविन जो है वो एक ऐलान कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि मोतीलाल नेहरू की मैं बातें करूं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने कहा है कि हमने 1917 में ये देखा है कि इंडिया के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस है मुकामी लोगों की हाथों से नहीं बन सकता, एक नेचुरल इशू है इनके दरमियान। तो ये जो डोमिनियन हमारे पास स्टेटस है कि इसकी इंडिपेंडेंस वाली बातें हैं हम किसी को भी लागू नहीं करेंगे। लॉर्ड इरविन ने जो वाइस राय था ये कह दिया, तो इसका मतलब है किसी को लागू नहीं करोगे तो करोगे क्या? उसने कहा कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तुम सब लोगों को गोल मेज के इर्द गिर्द बिठाएंगे और फिर जो है वो हर एक बरादरी हर एक जो है वो आप लोगों के पास जो यहाँ पे नेशनलिटी है उसके रिप्रेजेंटेशन को उठाएंगे और फिर जो है वो बैठेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। दूसरे हिंदू लीडर्स भी मरने वाले हो गए। नेहरू रिपोर्ट को भी तबाह कर दिया गया। लेकिन नेहरू रिपोर्ट से एक सस्पिशन जो है वो पैदा हो गई दोनों के दोनों कौमों के लिए। सेपरेट होमलैंड के लिए जो डिमांड थी वो ज्यादा हो गई, वो डिमांड जो है वो बढ़ गई। 14 पॉइंट्स हैं नेहरू रिपोर्ट से, कुछ डाटा ऐसा है जो याद करने वाला ज्यादा है इस दफा, तो मैं इसे यहाँ पे स्टॉप लूंगा ताकि आप लोग इस डाटा को तैयार कर सकें, याद कर सकें। डाटा ज्यादा आप लोगों के लिए जो है वो ना हो जाए जो कि आपने कर, लेकिन जो चीज आसान है वो नेक्स्ट हमारे पास अलामा इकबाल का एड्रेस है। अलामा इकबाल का एड्रेस 1930 में होता है। यारों के यार थे अलामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल कहीं बैठे शायरी लिख रहे थे कि जब इकबाल जो है इन 14 पॉइंट्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार बात तो बंदे ने बड़ी जबरदस्त की है। तो इकबाल भी कायदे आजम पे 10 बदस खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये बातें आपने बिल्कुल ठीक कही हैं, ये ठीक कहे हैं आपने कि दोनों के दोनों कौमें जो है वो एक सेपरेट कौमें, हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास अलाहाबाद में हर साल हुआ करता था और 1930 में भी हुआ। इस दफा सदारत अलामा इकबाल के पास थी और इकबाल एक ऐसे इंसान थे जो बैक वक्त जो है वो पोइट भी थे, फिलोसोफर भी थे, थिंकर भी थे, मॉरिशस को भी समझते थे और बहुत ज्यादा जो है चीजों को समझ के बात किया करते थे। मोहम्मद इकबाल, इससे पहले मैं इकबाल की बात करूं, इकबाल जो है उसके कुछ शेर मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। इकबाल कहते हैं जिस ये
उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश से उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकीन से, कंजश के फड़ो माया को शाहीन से लगा दो, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर नहीं रोजी, इस खेत के हर खोशाए गंदम को चला दो, जो खालिक को मखलूक में हायल रहीं पर दे, पीराने कलीसा को कलीसा सोचा दो, हक राहे बसूदे सनामा राहे बतूफे, बेहतर है चरागे हरमो दीर बुझा दो, मैं नाखुश हूँ बेदार हूँ मरमर की सीनों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना। तो एक रेवोल्यूशन रखा करते थे, और इन्होंने मुसलमानों के अंदर जो है वो एक सेपरेट होमलैंड का, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो का जज्बा जगाया। 1930 के इजलास में लोगों ने सुना कि इकबाल गरजे और ऐसे बोले जैसे बोलने का कहते हैं, उन्होंने कहा इस्लाम क्या जिंदगी के लिए एक पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्होंने बताया तो मुसलमानों की तारीख उन लोगों ने नहीं पढ़ रखी। कहते हैं इस्लाम कंप्लीट फूड ऑफ लाइफ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, जो हमारे ये समझते हैं कि हमें इनकी तहजीब की जरूरत है, इस्लाम जिंदगी के हर मौके हर चीज को कवर करता है। इंडिया किसी एक की मिराज नहीं है, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो हाउ यू कैन से ओनली द हिंदुइज्म इज गोइंग टू रूल और इंडिया? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया इज नॉट ए होम ऑफ ए सिंगल रिलीजन, इट इज अ प्रोफेसिंग, इट इज अ लैंड हैविंग डिफरेंट रिलीजन। एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस लैंड इज कंसिडर्ड, लेट मी टेल यू, इंडिया इज नॉट गोइंग टू फेस और अप्लाई द मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन इफ इंडिया एंड कांग्रेस ट्राई टू अप्लाई द सेम कॉन्स्टिट्यूशन दे विल हैव टू फेस सिविल वॉर वन। देयरफॉर आई मोहम्मद इकबाल इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द मुस्लिम्स डिक्लेयर दैट द मुस्लिम स्टेट शुड बी एस्टैब्लिश इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन इस्लाम। And for the very first time, Iqbal was the person who gave the Muslims an idea, yes, you people are eligible. Yes, you people can snatch your right of a single state, a Muslim state from these people. So for the very first time, the people, they observed, Allama Muhammad Iqbal's address was the address that clarified the two-nation theory. It was for the very first time that the demand for a separate homeland was stressed upon, and the Congress and the people sitting in the royal court, they were terribly shattered. For the very first time, Lahore resolutions and the echo of Lahore resolutions was heard 100,000 miles away in England. This was Muhammad Iqbal, Allama Muhammad Iqbal. This person tried his level best to change the pattern of India, but with the help of Muhammad Ali. I would like to take a break here. In the next class, we are going to complete this chapter. That is the first roundtable conference. And then we have the second roundtable conference at a point that we will try to understand. And we will try to discuss all the things. We will complete this chapter, inshallah, in the next sitting. There are some chapters in Pakistan Affairs, jo hamara thoda sa jahan pe speed hamari slow rahegi, aur Pakistan Movement unme se ek hai. Iske baad hamare paas agla asan hai, the establishment of Pakistan hai. Wo hamare agli jo class hogi, wo usme hum is chapter ko cover karenge. Usse agle mein hum do chapters cover karenge. Aur next hamare paas jo hai, wo sari ki sari cheezein khatam ho jayengi. मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि हम जो है वो इसको कोई 15 से 20 लेक्चर के अंदर खत्म करता है। 15 से 20 लेक्चर तो खैर मेरा ख्याल है मैं इसे 2 मंथ्स के अंदर वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, और मुमकिन है कि नेक्स्ट मंथ से फिर हम इसके लिए जो है वो मजीद अगर हमें टाइम की जरूरत पड़ी तो हम वो भी फिक्स कर लें। इज इट क्लियर?
जहां तक हमने पढ़ा है, द थिंग्स जो सिचुएशंस जो वी हैव डिस्कस सो फार, इज एवरीथिंग क्लियर? जो पॉइंट्स आपको बताए हैं क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, टेक केयर फॉर योरसेल्फ, होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़.